सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग करना है कि आप लोगों को यहाँ से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल का बैकग्राउंड जो पहले से इरेज कर रखा है, तो आप लोग इरेज कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वीडियो को जाकर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि आपको बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको मॉडल को जो कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। दैन उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें आप लोगों को यहाँ से इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख के एंड इस तरीके से आपको फिल करना है। यानी कि आपको ये दिखाना है कि ये जो बलून्स है ये आपके फ्रंट पे और आप बलून्स के पीछे खड़े हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेंट कर लेना है। और बाकी आप इस वैसे इरेज भी कर सकते थे, बट यहाँ पे ये वाला तरीका मेरे को थोड़ा ईजी लगता है, तो मैंने आपको ये बताया। आपको दोनों में से जो आता हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पे फिर दोबारा जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी और ऐड करना है, ठीक है। ये वाला ये आपको अपने माउथ के ऊपर लगाना है। अगर आप ऐसा कुछ पोज देते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कोई डिफरेंट पोज है तो उसमें आप यूज़ मत करना, ठीक है। बाकी आप अपने पोज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। देन आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको इरेज कर लेना इस तरीके से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक बार, फिर उसके बाद दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड करेंगे हम केक का पीएनजी, ठीक है। केक का पीएनजी, अब गाइस ये जो केक का पीएनजी है, अब अगर आप ऐसे पोज करते हो और मतलब कि केक को जो है आपको साइड का हिस्सा दिखाना है, इस तरीके से आपको फोटो उसको क्लिक करना है ताकि जो है केक आपके हैंड पे ईजिली आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी गाइस जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा आपको उनको इरेज कर लेना सिंपली, और उसके बाद आपको फिर क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको करना क्या है। अब गाइस यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक लाइट पीएनजी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है वाइट बैकग्राउंड है तो पीछे से लाइट भी निकल ही रही होगी, तो आपको यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर स्क्रीन करना है एंड इसके बाद आपको एक पीएनजी यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन इसका डुप्लीकेट करना है, रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ से फिर एक यहाँ लगा देते हैं हम, ठीक है। आप अपनी फोटो के हिसाब से आपको जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ से लाइट दिखानी चाहिए तो वहाँ पे आप लगा देना। मैं ज़्यादा मैं तीन जगह पे लगाऊंगा, एक हेयर्स के पास और एक यहाँ पे नीचे के साइड में, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको करना क्या है, अब जो यहाँ पे आप अपनी फोटो सक्सेसफुली डन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे गाइस, हम जो है हम इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें करनी है हमें रीटचिंग, जिससे कि गाइस हमारी फोटो और भी ज़्यादा ऑसम लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने फोटो को ऐड कर लिया है, हम पहले इसकी लाइट करेक्ट करेंगे। तो लाइट वाले ऑप्शन में जाकर पहले हम इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट जो है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। इसका जो शेडो है इसको इंक्रीज़ करेंगे एंड जो यहाँ पे ब्लैक्स इसको कम कर देंगे, फिर जो वाइट है इसको हम बढ़ा देंगे, फिर जाएंगे हम कलर्स में।